नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं आपको शरीर को साफ करने की एक ऐसी क्रिया के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में गंडोस क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का विवरण चरक संहिता में महर्षि चरक ने किया। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे शरीर में कुछ गुड बैक्टीरिया और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया नेचुरली हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं या बाहर से हमारे आहार के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। जो बैड बैक्टीरिया है जब वो हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो सबसे पहले मुख के द्वारा आते हैं और मुख में ही कई बार उनको रोक लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर पेट में हमारे चले जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया मुख में ही रोक लिए गए उनको आप हर रोज ब्रश करके निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। लगभग 500 प्रकार के बैक्टीरिया आपके मुख में हर समय रहते हैं, ऐसा रिसर्च में आया है। शायद महर्षि चरक ने ये रिसर्च बहुत पहले कर ली और इसी कारण से उन्होंने इस गंडोस क्रिया को बताया। अब जो बैक्टीरिया आपके मुख में रह गए उनको आप कैसे निकालें, तो उसको आप इस क्रिया के माध्यम से निकालें, नहीं तो ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनाते रहेंगे और आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैलती रहेगी। तो अपने बॉडी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं गंडोस क्रिया का प्रयोग करके। हर रोज इसके आपको केवल 5 से 10 मिनट ही इसमें देना है। इस क्रिया को आप कैसे करेंगे? इस क्रिया को करने के लिए आप गुनगुना पानी लें। गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं। जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनको गले में खराश रहती है, उनके लिए गुनगुना पानी बहुत ही लाभकारी है। तो 2 घूंट पानी की भरें अपने मुंह में और उसे मुख में ही रोक कर रखें। गले को थोड़ा सा नीचे की ओर रखें ऐसे, ताकि पानी आपका अंदर ना जाए। मुख के अंदर ही उस पानी को आप घुमाते रहें, जीभा को घुमाते रहें। पानी को आप लगभग 3 से 5 मिनट 7 मिनट तक घुमाएं, जितना आप कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में, और फिर उसको बाहर निकाल दें। फिर से आप एक बार भरें, फिर से ऐसा ही वापस इसको करें, खूब घुमाएं। इस प्रकार से पानी को भर के पूरा निकालते रहें, उसको घुमाते रहें, बाहर निकाल दें। अब जिनको पित्त की प्रकृति है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे व्यक्ति नॉर्मल पानी से गंडोस क्रिया करें, या तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल भी आप ले सकते हैं। नारियल का तेल एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल भी होता है, और जिनके मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सड़न रहती है, श्वास से भी कुछ लोगों को बदबू आती है, ऐसे लोगों के लिए जो है फिर आप नीम का तेल नारियल के तेल में थोड़ा मिक्स करें और उससे आप गंडोस क्रिया करें। तो मुंह में आप घुमाते रहें तेल को, थोड़ी देर रखें, अंदर नहीं जाए आपका तेल, ये विशेष ध्यान रखें आप। तो इससे आपके सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, मुख में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, आपको बहुत हल्कापन लगता है, आपके फेस पर भी जो फैट आ जाता है, आपकी जो लाइन एकदम क्लियर हो जाती है, आपका फेस भी पतला हो जाता है इस क्रिया को करने से। तो क्लीनिंग भी होगी प्लस फेस का फैट भी कम होगा। तो इस क्रिया को आप करें और अनेकों प्रकार के रोगों से बचें, क्योंकि मुख के अंदर जो बैक्टीरिया हमारे पनप जाते हैं वही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अंदर फैलाते रहते हैं, और वही टॉक्सिन्स आपके पेट में चले जाते हैं, पेट में सड़न पैदा करते हैं, आपको कई सारे रोगों से पीड़ित करते हैं। तो आप
गंडूस क्रिया को प्रतिदिन करें। पहले हमारे यहाँ आपके बड़े बुजुर्ग, आपने देखा जरूर होगा कि वो दिन में कई बार इस क्रिया को करते थे, खाना खाने के बाद या कुछ भी खाते थे तो वो जरूर कुल्ला करते, इसको कुल्ला करना भी कहते हैं। गंडूस क्रिया एक प्रकार से कुल्ला करना है। तो आप भी करें, वापस इसे पुनः शुरू करें अपने पूर्वजों के समान, और अपने दांतों को भी हेल्दी रखें, मसूड़ों को हेल्दी रखें। इससे आपके दांत भी एकदम वाइट हो जाते हैं, जो दांतों में पीलापन है वो समाप्त हो जाता है, दांतों में जो टेढ़ापन आ जाता है, कई बार बैक्टीरिया इतने हानिकारक हो जाते हैं कि दांतों में ही टेढ़ापन ले आते हैं, मसूड़े कमज़ोर कर देते हैं, तो ऐसे सभी रोगों से आप बचेंगे, शायद आपको दांतों की भी प्रॉब्लम जीवन में नहीं होगी यदि आप इसको करते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि ये सभी तक पहुंचे और अधिकांश लोग जो दांतों की प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं, पेट की प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं, उनका जो मूल कारण है वो दूर हो सके। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।